हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी शेयर के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एसजेवीएन, आरईसी और पेटीएम शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आज का जो है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, प्रिंट स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टॉक के ऊपर भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एनएचपीसी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। आखिर ये गिरावट क्यों हो रहा है? अगर हम लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी स्टॉक में जो है अभी भी 1.5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो तकरीबन स्टॉक जो है साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक ओनली 1.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक बात को समझते हैं, जो कोई भी स्टॉक जो है डेली आपको आइदर अप या फिर डाउन नहीं होता है, कुछ टाइम लेता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आता है, स्टॉक में भी मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर एनएचपीसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक हम लोगों को शार्प मोमेंटम देखने को मिला, अपसाइड मोमेंटम, उसके बाद एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम, उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पे पुल बैक जरूर लिया, अगेन यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक रिट्रेसमेंट किया, और अब जो है वापस से स्टॉक स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। करंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक मोर और लेस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। डाउनसाइड में स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है 77 रुपीज के लेवल पे, और अपसाइड में स्टॉक जो है वो आपको 95 to 100, ये पूरा जोन है, ये रेसिस्टेंस का ही जोन है। इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वहां पे भी हम लोगों ने इसी बात को देखा था, जो स्टॉक में गिरावट जरूर हुआ है बट अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस है। इमीडिएटली अगर देखेंगे 100 रुपीज का एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, साथ ही साथ एक स्विंग हाई का रेसिस्टेंस है, तो जब तक इन सभी रेसिस्टेंस को स्टॉक यहाँ पे ऊपर की साइड में क्रॉस नहीं करता है तेजी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर इस मोमेंटम को देखेंगे तो ये मोमेंटम आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। अब इस बात को कैसे समझते हैं जो स्ट्रेंथ है या नहीं है? यहाँ पे अगर देखिए ऑलमोस्ट आपको सेम ट्रेडिंग सेशन, जितना ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ट्रेड किया ऑलमोस्ट सेम ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा प्राइस का मूवमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे 77 रुपीज से 95 रुपीज जाने में जो है स्टॉक को मोर देन 2 वीक लग रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग कैंडल के साइज को देखेंगे, काफी छोटे छोटे कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत स्मॉल स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन, काफी नैरो जोन में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक में अभी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बड़े लोग इंटरेस्टेड नहीं है या ज्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर स्टॉक में मोमेंटम आएगा नहीं, और मोमेंटम आएगा नहीं तो प्राइस मूव होगा नहीं। तो यहाँ पे जो है अभी आपको काफी इसी वजह से जो है मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक हो सकता है कुछ और टाइम इस रेंज में स्पेंड कर दे, उसके बाद आपको अगर 100 रुपीज के लेवल के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो प्राइस में बोल रहा हूँ जहाँ पे कि आपको बाई करना ज्यादा सही रहेगा। आइदर यहाँ पे प्राइस ऊपर की साइड अगर 100 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इमीडिएटली आपको 15-20% का एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर स्टॉक जो है नीचे की साइड में वापस से अगर इस जोन को हिट करता है तो फिर यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से वापस से स्टॉक जो है ऊपर की साइड में बाउंस करेगा। तो इन केस अगर आप रेगुलर इस स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़ जाइए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दूसरा स्टॉक बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है एसजेवीएन। एसजेवीएन के केस में भी अगर देखेंगे मोर और लेस हम लोगों को सिमिलर सिनेरियो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको एक गैप पेंडिंग था, गैप को फिल करने के लिए स्टॉक जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो गैप पूरा कंप्लीट फिल नहीं हुआ, स्टॉक ने 137.5 का हाई लगाया, और आज के सेशन में स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिला। स्टॉक प्रीवियस
4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक जो है काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में हम लोगों को फ्रेश तेजी कब देखने को मिलेगा, अगर स्टॉक 140 के लेवल के ऊपर निकलता है। स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन से जरूर बाहर आ चुका है। यहाँ पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन किया, एक गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद करंटली स्टॉक जो है अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक बार ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। उसके बाद इस स्टॉक में 140 के ऊपर अगर देखेंगे तो 160 170 का पहला टारगेट होगा, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को फ्रेश ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। चलिए थर्ड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। थर्ड स्टॉक के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, REC। REC के शेयर में जो है यहाँ पे काफी लोग अब जाके पोजीशन बना रहे हैं। एक चीज मैं क्लियरली बोलूंगा, जो यहाँ पे इस स्टॉक में अभी आपको पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अब क्यों नहीं बनाना चाहिए, उसके पीछे के लॉजिक को पहले ध्यान से समझिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं समझेंगे आप जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे गलतियां करते रहेंगे। REC के शेयर में क्या हुआ, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है हम लोगों को 160 के लेवल के ऊपर देखने को मिला। ये ब्रेकआउट हम लोगों को इन द मंथ ऑफ जून 2023 यानी कि ऑलमोस्ट 9 मंथ बैक जो है यहाँ पे हम लोगों को इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद से अगर देखेंगे स्टॉक जब आपको यहाँ पे 173 रुपीज के लेवल पे था, तभी इस स्टॉक को जो है हम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था। अगर आप लोग ट्विटर हैंडल से जुड़े होंगे तो डेफिनेटली जो है आपको अपडेट मिला होगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग जुड़ जाइए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए 25th of July को मैंने ये ट्वीट किया था, 25th of July 2023 को मैंने ट्वीट किया था 173 के लेवल पे ये स्टॉक था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट पे। और उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, यहां से स्टॉक यहां से 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अब यहां पे मंथली चार्ट पे एक वर्टिकल मूव हो चुका है, इस स्टॉक को अभी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में बाय करते हैं तो डेफिनेटली यहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होने वाला है। ये लंबा समय लेगा, क्यों लंबा समय लेगा, क्योंकि स्टॉक में जो भी आपको एक मोमेंटम होना था वो मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट हुआ 115 के लेवल से और स्टॉक ने यहाँ पे आपको 524 का हाई लगाया, तो 400 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल चुका है। स्टॉक में रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है, या स्टॉक गिर जाएगा और उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब आइदर सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है, स्टॉक प्रीवियस 4 मंथ से ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा जब स्टॉक 400 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। अभी करंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिल रहा है। स्टॉक देखिए ऊपर की साइड से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, स्टॉक लगातार इस ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। इस स्टॉक में बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, बेटर है आप अवॉइड करें, इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं ले। अब बात आता है अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि करेक्शन आएगा बट ये करेक्शन कितना आएगा ये नहीं पता, और करेक्शन आने के बाद स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा बट टाइम लेगा। तो इसी वजह से अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, सपोज अगर आप 200% के प्रॉफिट में है, 300% के प्रॉफिट में है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रख ले या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल ले। फ्रेश पोजीशन बिल्कुल ही अवॉइड करें, और अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो बाय ऑन डिप करना अभी के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। लास्ट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम के ऊपर लगातार बैड न्यूज आ रहा है, आज वापस से एक और बैड न्यूज आया है। पेटीएम पेमेंट बैंक का MD और CEO जो है सुरेंद्र चावला जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, पर्सनल रीजन का उन्होंने हवाला दिया है और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। लगातार अगर देखेंगे तो पेटीएम के शेयर में हम लोगों को यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी भी इस स्टॉक में जो है बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे ट्रेड कर रहा है,
आईपीओ के बाद से ही एक जबरदस्त गिरावट, उसके बाद तेजी जरूर आया था, बट अगेन यहाँ पे फर्दर जो है आपको गिरावट हो चुका है और स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए ऑल टाइम लो की तरफ ही यहाँ पे आपको मोमेंटम कर रहा है। इसी वजह से इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश पोजीशन बाइंग अभी नहीं करना चाहिए अनलेस अंटिल आपको फंडामेंटली, अगर आपको कन्विक्शन है, आपके पास कोई ऐसा डेटा है या आपका रिसर्च ये बोलता है जो हाँ नहीं इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। टेक्निकली यहाँ पे कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पे बना था बट इस अपॉर्चुनिटी को मार्केट ने इनवैलिड कर दिया है, तो बेटर है यहाँ पे अगर आपने लिया था तो अपने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करके आप यहाँ पे बैठे रहिए। स्टॉक अगर वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करता है तभी हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।